नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, जो कि सेंट्रल लंदन में लोकेटेड है। सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर जो कि लंदन का एक कल्चरल और पॉलिटिकल हब है, यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप एक ट्रिप में देखना चाहते हैं। अगर आपका एक दिन का भी ट्रिप का भी प्लान है, तो उस एक दिन में अगर आपने वेस्ट मिनिस्टर की सिटी को कवर कर लिया, विच इज़ वेरी वॉकेबल, तो आप समझे कि आपने लंदन का ट्रिप कर लिया। तो इस वक्त हम खड़े हैं बकिंगम पैलेस, हमारे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ से हम वॉक करके सेंट जेम्स पैलेस और सेंट जेम्स पार्क के बीच में से होकर हॉर्स गार्ड, व्हाइट हॉल, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिग बैन और वहाँ से ट्रफाल्गर स्क्वायर तक जाकर अपना सफ़र आज का हम ख़त्म करेंगे। आप विटनेस करेंगे यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग किस तरह से, व्हाइट हॉल जो एरिया है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का घर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, किस तरह से कभी वो पूरी दुनिया को कंट्रोल किया करता था। वहाँ से हम अपना सफ़र का एंड, जैसे हमने कहा, कि ट्रफाल्गर स्क्वायर में करेंगे। ट्रफाल्गर स्क्वायर जो कि फेमस है कि एडमिरल के लिए, जिसने 1805 में नेपोलियन के साथ जंग लड़ी थी, उस जंग में वो मारा गया था, लेकिन वो जंग जीती गई थी। बकिंगम पैलेस का कुछ इतिहास, इसे 1703 में बनाया गया था। एक्चुअली उस वक्त ये पैलेस नहीं था, तब एक छोटा सा हाउस था, उसको बनाया गया था ड्यूक ऑफ बकिंगम के लिए। 1761 में इस लैंड को, इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था किंग जॉर्ज थर्ड ने। सो किंग जॉर्ज थर्ड वो राजा था जिसने ब्रिटिश के सूर्य को अस्त करना शुरू किया था। ये बिल्कुल आपने सही सुना, ब्रिटिश के सूरज को अस्त करना शुरू किया था, क्योंकि वो अमेरिका से अपनी सारी कॉलोनीज हार गया था। एक तो उसको इस राजा के नाम से जाना जाता है कि अपनी कॉलोनीज अमेरिका से हार गया, दूसरा उसको नाम दिया जाता है मैड किंग का। मैड किंग का इसलिए क्योंकि उसे एंड में जाके लीवर डिजीज हो गई थी, जिससे कहते हैं कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसके बाद उसके कार्यकाल को उसके लड़के ने पूरा किया, लेकिन उसी के नाम पर। सो हर एक चीज़ से कोई ना कोई इतिहास जुड़ा होता है। अब जैसे ब्रिटिश का इतिहास हमारे साथ जुड़ा है, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड के साथ इनके रिलेशन जुड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका से उनके रिलेशन कट हो गए। उसे अमेरिका के आखिरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। सो बकिंगम पैलेस को 1761 में बनाया जरूर गया था, लेकिन उसमें सबसे पहले रहने वाला मोनार्क 1837 में मूव हुआ, और वो थी क्वीन विक्टोरिया।
क्वीन विक्टोरिया जो उस वक्त क्लेरेंस हाउस में रहा करती थी अपनी अपनी मदर के साथ, एक दिन सुबह उसे उठाया गया और उसे बताया गया कि भी यू आर द क्वीन नाउ, लॉन्ग लिव द क्वीन, एंड नाउ यू आर मूविंग थ्रू द बकिंगम पैलेस। सो बकिंगम पैलेस को सबसे पहले ऑक्यूपाई किया था क्वीन विक्टोरिया ने। और ये जो बालकनी आज आप देखते हैं वहाँ पर, जिसमें आपकी सभी रॉयल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बालकनी भी बाद में क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे बनाई गई थी। सो क्वीन विक्टोरिया की रीन तकरीबन कोई 60 साल तक रही। वो अब तक की सबसे ज़्यादा राज करने वाली क्वीन थी, लेकिन 2015 तक। उसके बाद ये खिताब चला गया क्वीन एलिजाबेथ के पास, जिसने तकरीबन 70 साल तक राज किया। सो क्वीन विक्टोरिया जो 1837 से 1901 तक उन्होंने राज किया, उन्हीं की रीन में और उन्हीं के ही शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और सारा राजपाट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था अपने हाथ में लिया 1858 से फॉरवर्ड। सो इतिहास हमारा उनसे जुड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो इतिहास अच्छा हो चाहे वो इतिहास बुरा हो। वैसे अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी जो दुनिया को देन थी वो 23% थी, और अंग्रेजों के जाने के बाद वो सिर्फ मात्र 4%। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने यहाँ से गेन किया कि हमने उनसे गेन किया। सो बकिंगम पैलेस के पास ही है सेंट जेम्स पैलेस, और उसके साथ ही है क्लेरेंस हाउस। क्लेरेंस हाउस वो जगह है जहाँ पर किंग चार्ल्स अभी किंग होने से पहले तक रहा करते थे अपनी वाइफ कमीला के साथ। और सेंट जेम्स पैलेस वो पैलेस है जहाँ पर किंग चार्ल्स और उनके दोनों बच्चे हैरी एंड विलियम्स 2003 तक रहा करते थे। सो दीज आर ऑल द क्लोजेस्ट प्लेस। अगर आप यहाँ पर आए तो जस्ट फ्यू स्टेप्स फ्रॉम द बकिंगम पैलेस यू कैन सी बोथ द पैलेसेस, एंड ऑल्सो जहाँ पर इस वक्त विलियम एंड कैटरीन रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैसिंगटन पैलेस। वो इस बकिंगम पैलेस के पीछे जाके पड़ता है, अगर आप देखना चाहें तो जा सकते हैं। सो बकिंगम पैलेस का टूर गार्ड सेरेमनी के बिना कंप्लीट नहीं होता, और ये खिलौनों जैसे सुंदर सुंदर पोशाकों में दिखने वाले ये गार्ड, इन्हें आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये एक बहुत लीथल फोर्स है। दुनिया में तकरीबन सारी वॉर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और इनका जो मेन काम है वो है अपने मोनार्क की रक्षा करना। टोटल 5 रेजिमेंट्स हैं जो तैनात रहती हैं बकिंगम पैलेस में। एक्चुअली टोटल 7 रेजिमेंट्स हैं, बाकी जो 2 रेजिमेंट्स हैं दोज आर हॉर्स राइडर्स, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये जो इनकी जो ड्यूटी होती है वो ये नहीं कि सारा दिन ये खड़े रहते हैं, इनकी ड्यूटी होती है 48 घंटे की। 48 घंटे में से 6 घंटे ऑफ और 2 घंटे ऑन, 6 घंटे ऑफ 2 घंटे ऑन। अगर तो 24 घंटे की ड्यूटी है तो 4 घंटे ऑफ 2 घंटे ऑन, इस तरह से ये गार्ड्स बदलते रहते हैं। और इनकी 5 रेजिमेंट्स हैं। इनकी जो पोशाकें लगती हैं सिमिलर देखने में, लेकिन इनको आप अपने कोट के बटन्स और अपने जो बेयर स्किन हैट है उसमें जो टैग्स लगे होते हैं उससे पहचान सकते हैं। तो सबसे पुरानी रेजिमेंट इनकी है कोल्डस्ट्रीम गार्ड्स, द सेकेंड वन इज़ ग्रेनेडियर गार्ड्स, थर्ड वन इज़ स्कॉटिश गार्ड्स। ये पुरानी 3 रेजिमेंट्स थी, और 2 रेजिमेंट 20वीं सदी में ऐड की गई जो हैं आयरिश गार्ड्स और वेल्श गार्ड्स। इनका मेन काम सिर्फ अपने मोनार्क की ही रक्षा करना है। और ये जो सेरेमनी स्टार्ट होती है ये हफ्ते में 4 दिन होती है सर्दियों में, और गर्मियों में ऑल ऑल डेज ऑल 7 डेज। तो तकरीबन 11 बजे के करीब यहाँ स्टार्ट होती है। अगर आप यहाँ पे टूर कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर रीच हियर बिफोर इवन 10:30, क्योंकि आपको स्पॉट नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये मार्च करके आते हैं सेंट जेम्स पैलेस से, जिस पैलेस की हमने पहले बात की। वो पैलेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो मोनार्क है वो वहीं रहा करता था। वहीं पर से ये इकट्ठे होते हैं, वहाँ से मार्च करके आते हैं, और ड्यूटी ऑन जो ड्यूटी ऑफ गार्ड्स हैं वो मार्च करके वहीं वापस जाते हैं।
सेंट जेम्स पैलेस का एक इम्पोर्टेंस और है, उसमें जब मोनार्क की डेथ हो जाती है या कुछ बॉर्न होता है तो वहीं से उसकी अनाउंसमेंट की जाती है। अभी जब रिसेंटली जब क्वीन एलिजाबेथ एक्सपायर हुई तो उसकी अनाउंसमेंट भी वहीं से हुई, एंड द कोड वर्ड वॉज द लंडन ब्रिज हैज फॉलन राइट ऑन दिस बालकनी दे अनाउंस राइट हियर। तो सेंट जेम्स पैलेस होके जाएं, बाहर से देखें इसको, सेंट जेम्स पैलेस के बिल्कुल बैक साइड में है क्लेरेंस हाउस, उसको भी आप बाहर से देख सकते हैं। क्लेरेंस हाउस की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो एक्चुअली मोनार्क्स के नहीं, वो प्रिंसेस के रहने की जगह थी, जैसे कि प्रिंस चार्ल्स, जब किंग चार्ल्स प्रिंस चार्ल्स थे तो वहीं रहा करते थे। उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ वो अपनी मदर के साथ वहाँ रहा करती थी, उनका ओरिजिनल प्लेस वही था। सो इन चीज़ों का महत्व है, आए देखें, ट्रिप करें। अभी हम निकलेंगे सेंट जेम पार्क के बीच में से, देखते हुए थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ, इट्स नॉट टू वाइल्ड दो, लेकिन उस पार्क का भी एक महत्व है। उसको 1605 में बनाया गया था, 47 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ है, और जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं ओन बाय मोनार्क। एंड वैसे आपको एडवाइस तो नहीं है कि किसी भी जानवर को आप कुछ यू नो कुछ फूड वगैरह सर्व करें आते हैं, लेकिन पीपल डू दैट। एंड इन फैक्ट जो बर्ड्स हैं, जो पेलिकन्स हैं, ये भी वेट करते हैं लोगों का आए तो हमें कुछ ना कुछ फीड करें, स्पेशली व्हेन द इज अ फूड शॉर्टेज इन द समर मंथ्स। तो ये पेलिकन्स इनको दी गई थी रशियन किंग के द्वारा, और ये तकरीबन वही 17वीं सेंचुरी से यही हैं। नेवर दे लेफ्ट द एरिया, एंड इंजॉय करिए इसको, नेचर को। और ये सीधा रास्ता जाके निकलेगा हॉर्स कार्ट की तरफ। ओके, तो ये है हॉर्स कार्ट परेड, यहीं पर जो घुड़सवार गार्ड्स हैं वो सुबह इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर उनकी बीटिंग रिट्रीट होती है एवरी डे ऑफ द वीक, मंडे टू सैटरडे 10 बजे और संडे के दिन 11 बजे। यहीं से बीटिंग रिट्रीट के बाद वो मार्च करते हैं टूवर्ड्स द बकिंगम पैलेस, वहाँ से गार्ड्स बकिंगम पैलेस में रह जाते हैं, और इवन इन सराउंडिंग पैलेसेस, सेंट जेम्स पैलेस और कैसिंगटन पैलेस, और बाकी जो ऑफ ड्यूटी गार्ड्स हैं वो मार्च करके वापस आ जाते हैं। तो ये भी एक पार्ट है गार्ड सेरेमनी का। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी 7 टोटल रेजिमेंट्स हैं, इसमें 5 रेजिमेंट्स जो हैं उनकी ड्यूटी परमानेंट ही है वो बकिंगम पैलेस, और 2 घुड़सवार रेजिमेंट्स, उनमें 2 शामिल हैं लाइफ गार्ड्स एंड ब्लूज एंड रॉयल्स। ब्लूज एंड रॉयल्स वो फेमस हैं क्योंकि उनमें प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम दोनों ने पार्ट किया है। प्रिंस हैरी ने तो इनफैक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया है अफगानिस्तान वॉर में 2002, तो ही इज़ पार्ट ऑफ ब्लू एंड रॉयल्स, एंड ब्लू एंड रॉयल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय प्रिंसेस एन हु इज़ द सिस्टर ऑफ किंग चार्ल्स। तो यहीं से आप देख सकते हैं ये ग्राउंड, और ये ग्राउंड इसका एक महत्व है क्योंकि जो चार्ल्स 8 था उसको ये यूज़ किया करता था गेम्स के लिए। और गेम्स की बात करें तो 2012 की जो ओलंपिक्स थी उसका जो बीच वॉलीबॉल का जो सेटअप था वो सारा इसी जगह पे हुआ था। तो लंदन एकमात्र दुनिया की ऐसी सिटी है जिसमें 3 बार ओलंपिक गेम्स हुई हैं, 1908 में, 1948 में और 2012 में। 2012 का साल लंदन के लिए काफ़ी बिजी रहा, एक तो लंदन ओलंपिक्स और दूसरा उसी साल क्वीन एलिजाबेथ की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन थी। सो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बिजी रहा होगा। उसके बाद उन्होंने सरपास भी कर लिया क्वीन विक्टोरिया को, शी वाज लाइक 70 ईयर शी स्पेंड ऑन दैट मोनार्कशिप। सो शी रिसेंटली पास्ड अवे, किंग चार्ल्स हम सभी जानते हैं ही इज़ द किंग। तो अब निकलते हैं यहाँ से, जो सामने गलियारा है वहाँ से निकल के हम जाएंगे, एंड एंटरिंग द पावर कॉरिडोर ऑफ द लंदन विच इज़ द वाइट हॉल एरिया। तो वाइट हॉल एरिया में आपको मिलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस,
कैबिनेट वॉर रूम्स एंड वेरी फेमस डाउनिंग स्ट्रीट। डाउनिंग स्ट्रीट में 10 डाउनिंग इज फेमस फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड 11 डाउनिंग इज फेमस द एक्सचेकर। और अब हम मौजूद हैं डाउनिंग स्ट्रीट के सामने। ये हैवीली गार्डेड एरिया जो आप देख रहे हैं, दैट इज द डाउनिंग स्ट्रीट। और आगे जाकर जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है, दैट इज एन डाउनिंग स्ट्रीट वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक रिजाइड्स। अगर आप यहाँ पर 1980 के स्टार्टिंग दशक में आते तो शायद आप वॉक करके 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जाके अपनी पिक्चर वगैरह ले सकते थे। लेकिन उसी दशक में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर घातक हमला हुआ था, जिसके करके इस प्लेस को ऑब्वियसली बहुत सिक्योर कर दिया गया। और अभी यहाँ पर सिर्फ जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं या जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वही एक्टिवली जा सकते हैं या डिप्लोमेट्स। आम पब्लिक को यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, बट बाहर से आप पिक्चर्स बाहर से आप अपनी फोटोग्राफ ले सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ की लंदन की इस पावर स्ट्रीट। तो दोस्तों, ये है किंग चार्ल्स वन आर्क, उसकी मेमोरी में ये आर्क है। किंग चार्ल्स वो राजा था जिसको मोनार्क होते हुए, एक्टिव मोनार्क होते हुए, एक्टिव किंग होते हुए एक्सिक्यूट कर दिया गया। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर ये कोई अपने रूल बनाते हैं तो खुद उस रूल को मानते हैं। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। आपको ये एग्ज़ाम्पल कभी किसी भी देश में, हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, किसी भी देश में नहीं मिलेगा कि आपने एक्टिव किंग को लॉ एंड ऑर्डर के करके एक्सिक्यूट कर दिया गया हो और वो मान गया हो। दिस इज एक्टली व्हाट हैपेंड हियर। और यही नहीं, जो क्वीन एलिजाबेथ है, उसके जो अंकल थे किंग एडवर्ड, ही वॉज अ किंग। किंग ये जो मोनार्कशिप है, शायद एलिजाबेथ के बाद कभी ना आती। उसके अंकल ने किंग होते हुए भी किंगशिप छोड़ दी थी, क्योंकि उसे अलाउ नहीं किया गया था किसी भी नॉन रॉयल से शादी करने के लिए। तो उसने अपने इश्क के करके अपनी किंगशिप छोड़ दी। उसे छोड़नी पड़ी क्योंकि लॉ ऐसा था, रूल ऐसे थे, तो अपने रूल आपको मानने पड़ेंगे। दिस इज हाउ दिस कंट्रीज आर वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लंदन सिटी को पूरा तहस नहस कर दिया गया। और अगर हम इस तबाही की बात करें तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब हाउस हो, जो घर हैं, तबाह हो गए थे। लगातार 57 दिन तक बमबारी हुई, दैट्स एयर अटैक। एंड जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये तकरीबन तहस नहस थी। तो वन ऑफ द बिल्डिंग हेयर, वहाँ पर विंस्टन चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ब्रिटेन के, उन्होंने खड़ा होके ये भी कहा था कि जो कुछ बचा सकता है ठीक है, अगर कुछ नहीं बचा सकते कम से कम सेंट पॉल कैथीड्रल को बचाओ। तो ही वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रिकवरी मिशन। तकरीबन 40,000 के करीब यहाँ पर लोग, ज़्यादातर जो सिविलियंस हैं, वो मरे थे, जिसमें से 20,000 सिर्फ इस छोटे से एरिए। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर रही होगी। और ये द्वितीय विश्व युद्ध ही एक ऐसा कारण था जिससे इंग्लैंड को ना ही सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड से अपने ऑपरेशंस को समेटना पड़ा था, क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत ब्रोक हो गए थे। बात करेंगे हिंदुस्तान की, तो उसमें भी एक्सटर्नल रीज़न ज़्यादा थे हिंदुस्तान को आज़ाद होने में, जो कि सबसे बड़ा रीज़न था द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध वो जरूर जीत गए थे, लेकिन इकोनॉमिकली वो बहुत वीक हो गए थे। उन्होंने सोचा कि जितनी भी प्रॉब्लम स्टेट्स हैं, इंडिया वॉज वन ऑफ इट, क्योंकि वो बहुत बिग थी और वहाँ से अंदर से इंटरनली काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो जो तो छोटे थे, सिंगापुर हो गया या इवन जो इंटायर मिडल ईस्ट हो गया, दे कैप्टन मिडल ईस्ट तो खैर चाहते नहीं थे कि वो यहाँ से जाएँ, मिडल ईस्ट तो खुद चाहते थे कि वो यहाँ रहें ताकि उनका कुछ बन पाए। बाकी रही बात सिंगापुर, हांगकॉन्ग दे कैप्टन फॉर लॉन्ग टाइम, इंडिया जैसी कंट्री को छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर इंडिया में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इशू ना होते तो शायद वो आज वहीं पर बैठे होते। तो बहुत से लोग कहते हैं शायद अच्छा भी होता, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बाकी आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं जो पावर कॉरिडोर को जो रहा हुआ हिस्सा है, जो कि
ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेट्स गो सी देयर नाउ। तो ये है वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन। अगर आपको लंदन के किसी भी हिस्से से आना हो तो यहाँ पर वेस्ट मिनिस्टर स्टेशन आप आके उतर सकते हैं। इट्स लाइक राइट इन द व्हाइट हॉल। तो जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आएंगे यू कैन सी बिग बैन राइट हियर। बिग बैन के बिल्कुल साथ है पार्लियामेंट हाउस और बिग बैन के बिल्कुल सामने है पार्लियामेंट स्क्वायर। पार्लियामेंट स्क्वायर के बिल्कुल साथ है वेस्ट मिनिस्टर एबी। अगर आप लंदन आ रहे हैं सो ये एकमात्र बिल्डिंग आप मिस नहीं कर सकते। अगर लंदन में मस्ट सी कुछ है तो ये उन मस्ट सी में से एक है। ये तकरीबन 1000 साल पुरानी बिल्डिंग एक बहुत पुराना इतिहास संजोए बैठी है। ये है वेस्ट मिनिस्टर एबी जहां पर एक्सेप्शन ऑफ टू किंग्स जितने भी आज तक 1066 से लेकर और आज तक जितने भी मोनार्क हुए हैं सबका कॉरोनेशन या ताजपोशी जिसे आप कहते हैं यहीं हुई है, इंक्लूडिंग क्वीन एलिजाबेथ एंड किंग चार्ल्स। क्रिसमस डे ऑफ 1066, सो 1066 का क्रिसमस का दिन था जब किंग विलियम द कॉन्करर ने यहाँ पर आके अपने आप को लंदन का बादशाह घोषित किया था। उसके बाद वही सेम फैमिली अब तक चल रही है 1066 से लेकर अब तक। लंदन वैसे तो 2000 साल पुराना शहर है लेकिन जो करंट मोनार्क हैं वो तकरीबन 1000 साल पुराने हैं, विच इज़ फेयरली बिग डील। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा साम्राज्य आज तक नहीं चला जिसका कार्यकाल 2000 साल तक रहा हो। जूडा साम्राज्य जरूर था जिसका कार्यकाल 992 ईसा से 992 पूर्व से लेकर ईसा की पहली सदी तक रहा, ना तकरीबन 1000 साल। बाकी मेरे को लगता नहीं कोई भी ऐसा, ना रोमन थे ना ऑटोमन्स थे, इनका डंका भी अब तक बज रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर बहुत से मोनार्क्स की शादियाँ भी हुई हैं, बहुत से लोग 18 मोनार्क्स और तकरीबन 3000 के करीब जो ब्रिटिश सिटीजन हैं जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली जिसे हम कह सकते हैं वो दफन है यहाँ पर। उनका संस्कार, उनका क्रिमेशन यहीं हुआ है, जिसमें से बहुत फेमस आइज़क न्यूटन उनकी बॉडी भी यहीं दफन है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन सर स्टीफन हॉकिंस वेरी रिसेंटली 2018 में यज्ञ मृत्यु हुई, उनकी बॉडी भी यहीं दफन है। और नेल्सन मंडेला, उनका भी जो अंतिम जो प्रक्रिया होती है वो यहीं हुई थी। सो दिस इज नॉट टू मिस अ बिल्डिंग। और इसके बिल्कुल सामने हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स की जो बिल्डिंग है ये 1843 में इसमें आग लग गई थी तो उसको सारी बिल्डिंग को रीबिल्ड किया गया है जो कि 1859 के करीब जाकर रेडी हुई थी। उस बिल्डिंग के साथ बिग बैन उस वक्त नया बनाया गया। बिग बैन और पार्लियामेंट हाउस के बीच में जो आप हॉल देख रहे हैं ये हॉल बच गया था, तो ये वही ओरिजिनल पुराना हॉल है। और इस हॉल की जो हिस्ट्री है आपको चौंका देगी। बहुत से ऐसे लोग जिन्हें एक्सिक्यूट किया गया, पब्लिकली एक्सिक्यूट, वो यहीं हुए, जिसमें से किंग चार्ल्स द फर्स्ट जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसे राजा होते हुए ही एक्सिक्यूट कर दिया गया था, उसकी एक्सिक्यूशन इसी हॉल में हुई थी। विलियम वॉलेस, आपने सुनी होगी, आपने सुना होगा उसका नाम, आपने देखी होगी मूवी आई थी ब्रेव हार्ट। सो ब्रेव हार्ट मूवी का जो कैरेक्टर था, दैट्स अ रियल कैरेक्टर विलियम वॉलेस, उसको भी यहीं एक्सिक्यूट किया गया था। फिर उसके बाद उसकी बॉडी को डिसमेंबर करके पूरी कंट्री के हर हिस्से में भेज दिया गया। बड़ा खूनी इतिहास है इनका। और जो बिग बैन है, ये बिग बैन इज रियली नॉट द बिल्डिंग्स नेम, इस बिल्डिंग का नाम है एलिजाबेथ टावर। इस टावर में जो बेल है उसे बिग बैन का नाम दिया गया क्योंकि उसका वजन एक तो 30.8 टन्स। और इसमें भी दो राय हैं कि उसका नाम क्यों बिग बैन हुआ। तो एक तो था बेंजामिन हॉल जिसने इस सारे आग लगने के बाद इस पूरे एरिया को रिबिल्ड किया था, उसके नाम पर कहा जाता है कि इसका नाम बिग बैन है। दूसरा था बेंजामिन काउंट, ही वाज अ ह्यूज बिग बॉक्सर,
उस वक्त, इसीलिए उसका नाम हो सकता है बिग बैन, बिकॉज ही वॉज ह्यूज, वॉज अ बिग गाय फाइटिंग बॉक्सिंग दैट टाइम, हो सकता है इसी करके उसका नाम बिग बैन रखा गया। कुछ भी है, आप इस आके इस माहौल को इन्जॉय करें, यू नो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स आप जाके देख सकते हैं। और जो बिग बैन के राइट में जो आप टावर देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड विक्टोरिया टावर, और इसी टावर में से साल में एक बार क्वीन हमेशा पार्लियामेंट में जाकर, आप शायद किंग, उस पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट होता है, शी इज़ द वन हु स्टार्ट दैट सेशन, वो इसी टावर से, इसी गेट से उसकी एंट्री होती है। जैसे मैंने कहा कि पावर कॉरिडोर है ये, आइए इस पावर कॉरिडोर को इन्जॉय कीजिए। और इसके एडजेसेंट टू द जस्ट टू द अदर साइड ऑफ द रिवर आप देख सकते हैं लंदन आई, एज कंपेयर टू 2000 ईयर ओल्ड लंदन, दिस लंदन आई इज फेयरली वेरी न्यू, व्हिच इज बिल्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। जो सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन इसमें आप 2000 साल की हिस्ट्री को विटनेस कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, चलते हैं वापस दोबारा व्हाइट हॉल क्रॉस करते हुए ट्रफाल्गर सर्कल की तरफ जाएं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। तो बिग बैन को क्रॉस करके वापस हम जा रहे हैं इस वक्त वाइट हॉल की तरफ। तो वाइट हॉल यू कैन स्टिल सी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे कि कैबिनेट वॉर रूम्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कहा जाता है लंदन एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर तो ये बात ट्रू है तो वो सबसे ज़्यादा कैमरे इसी कॉरिडोर में होंगे। अगर आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, फुल ऑफ कैमरास। और यही रही एक चीज़ और, इसी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये बिल्डिंग जितनी ऊपर है इतनी ही उसके अंदर है, ज़मीन के अंदर है। और इसके अलावा जो ये रोड नेटवर्क आप लंदन का देख रहे हैं, इतना ही नेटवर्क तकरीबन ज़मीन के अंदर, दैट्स अ सीक्रेट नेटवर्क, एवरीवन नोस दैट इज देयर, यू कैन नॉट गो देयर। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और बाद ये सारा डिज़ाइन हुआ था। कहा यह जाता है कि यू नो जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये इंटरनली अंडरग्राउंड आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, चाहे वो बकिंगम पैलेस हो, चाहे वो सेंट जेम्स पैलेस हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सब बीच में से कनेक्टेड हैं। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड टनल सिस्टम दे ऑलरेडी हैव इट। हमें इतना पता है कि लंदन हैव वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड, अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड। सो आप इसको यू नो दोहराया नहीं, इसमें आप जुटला नहीं सकते इसको आप। और यहाँ से चलते हुए अब हम पहुँचते हैं ट्रफाल्गर सर्कल। सो ट्रफाल्गर सर्कल, इसका भी इतिहास है। ये इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है बैटल ऑफ ट्रफाल्गर। तो ये जॉइंट फोर्सेस ऑफ नेपोलियन एंड स्पेनिश, इसकी जंग हुई थी यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो उस वक्त वहाँ पर एडमिरल हरेशियो नेल्सन उस बैटल को लीड कर रहे थे। ट्रफाल्गर ये पड़ता है तकरीबन जिब्राल्टर के पास जाकर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट देयर, राइट अबाउट द अफ्रीका, सो दैट फॉर। तो वहाँ पर जो यहाँ के हीरो हैं, जिसके नाम पर ये सारा बनाया हुआ है, ये कॉलम जो आप देख रहे हैं, दैट्स इन 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 दैट्स इन द ऑनर ऑफ एडमिरल हरेशियो नेल्सन। तो उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर, वॉर के 20 या 25 मिनट स्टार्ट होने पहले 25 मिनट में ही उनकी मृत्यु हो गई थी स्नाइपर शॉट से, लेकिन जंग वो जीत गए थे।
यूजली इनका रूल होता है कि या तो बॉडी को वहीं दफन कर दिया जाए या फिर उसको समुंदर में दफन दिया जाए। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि एडमिरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिरल दैट टाइम, उन्होंने डिसाइड किया कि उसको यहाँ पर लाकर यहाँ पे उसका जो है अंतिम संस्कार वगैरह किया जाएगा। 3-4 हफ्ते का सफ़र वहाँ से, इट्स टू फार, देयर इज नो प्लेन्स एट दैट टाइम। तो समुद्री जहाज़ के रास्ते से उनको अटलांटिक ओशन होते हुए एंड क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल, वहाँ से फिर उसको यूनाइटेड किंगडम लेके जाया गया। लेकिन उसकी उन्होंने बॉडी को प्रिजर्व कैसे किया, उन्होंने उसको डिसाइड किया कि उसको उसकी बॉडी को ब्रांडी में पिकल कर दें ताकि वहाँ पर जाके वो बॉडी इंटैक्ट रहे। अब रास्ते में हुआ क्या कि भी जितने भी सैनिक थे वहाँ पर समुद्री बेड़े में, वो हर बार एक गिलास निकाल कर और वन लास्ट ड्रिंक विद एडमिरल निकाल कर सारी ब्रांडी पी गए। उसके बाद फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका क्या शेष भाग बचा होगा। तो ये कॉलम उसी एडमिरल के रिस्पेक्ट में है। और नाजीज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, नाजीज़ को तो पूरा यकीन था कि वो वार जीत जाएंगे और इनिशियली वो बहुत पावरफुल भी थे। तो उनका ऐसा विचार था कि इस कॉलम को यहाँ से उठाकर वो बर्लिन में लेके जाएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं हुआ बिल्कुल उल्टा ही। एंड ऑफ द वॉर वॉज टोटली अगेंस्ट देम, यू नो, जो भी हिटलर के जो भी प्रयत्न थे वो सब व्यर्थ हो गए। और अच्छा हुआ उसके बाद जो दुनिया हमें मिली है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिली। तो ये है ट्रफाल्गर सर्कल की कहानी। और ट्रफाल्गर सर्कल के पीछे आर्ट म्यूजियम है, निस्मत कीजिए उसे, स्पेंड सम टाइम हेयर, आई कैन गो इनसाइड द आर्ट म्यूजियम। एंड म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम यहाँ पर तकरीबन फ्री है, मोस्टली ब्रिटिश म्यूजियम इज़ फ्री, V&A म्यूजियम इज़ फ्री, यू नो देयर इज़ अनदर म्यूजियम, इट्स अ टावर ऑफ लंदन, दैट्स वेयर यू हैव टू पे। एंड बट दीज आर ऑल मस्ट सी थिंग्स। अगर तो आप म्यूजियम के फैन नहीं हैं तो तकरीबन एक बार आप ब्रिटिश म्यूजियम जाके जरूर देखें, क्योंकि वो म्यूजियम उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी हैं जो अगर वो अपने ओरिजिनल जगह पर होती तो शायद ना बचती। टावर ऑफ लंदन में हमने देखा जाकर कोहिनूर हीरा, वो यहाँ पर है, प्रिजर्व है। अगर हमारे मुल्कों में शायद कहीं होता तो शायद हमें पता ही ना होना तो क्या था या क्या हुआ उसका, शायद हमें ये बता दिया जाता कि वो सब झूठ है। तो भैया कम से कम इन्होंने दुनिया से चीज़ें लेके आए, चुरा के लाए, उठा के लाए, छीन के लाए, लूट के लाए, रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। तो उसे जाके आप देखें और हिस्ट्री को एंजॉय करें, सिटी को एंजॉय करें, और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके साथ साथ ही और भी व्लॉग्स आएंगे। टावर ऑफ लंदन जैसे मैंने बताया, ब्रिटिश म्यूजियम, V&A म्यूजियम, उसके बाद हमारा ट्रिप जाएगा फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड पेरिस। सो सब्सक्राइब करें चैनल को, ब्लॉग के साथ साथ कुछ हिस्ट्री भी आपसे शेयर करेंगे हर एक उस जगह की। शुक्रिया।